चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। देखिए यूपी बीजेपी में कई दिनों से खींचतान की खबरें सामने आ रही है और इसी बीच अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। बिल्कुल, और जिस तरीके की पार्टी के भीतर योगी विरोधी मुहिम में केशव प्रसाद मौर्य शामिल थे उसमें वो मात खा चुके हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक बार फिर से खोल दिया है मोर्चा। अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में सियासी पारा हाई, कौन मोहरा कौन वाईफाई, अखिलेश केशव में छिड़ा जुबानी जंग, यूपी में क्यों मचा हुड़दंग। कहते हैं सियासत में इतना लिहाज लाजमी है कि किसी मोड़ पर दो शख्सियत टकरा जाए तो एक दूसरे से नजरें ना फेरनी पड़े, लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस लिहाज के पर्दे को गिरा देने पर आमादा हो गए। यही वजह है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे पर छिटाकशी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर यूपी में चल रहे सियासी घमासान पर केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाते हुए ऐसा तंज कसा हो। दोनों के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला कई दिनों से जारी है। हालांकि राजनीति की हर चाल भापने वाले और सियासी गलियारों की सरगर्मी को बगैर थर्मामीटर लगाए भापने वाले नेता ये जानते हैं कि दोनों के बीच जुबानी जंग के पीछे वजह क्या है। बावजूद इसके यूपी की राजनीति में चल रही एक खेमे की नूरा कुश्ती में जिस तरह के अखिलेश चुटकी ले रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनके तमाम बयानों पर दुगुने वेग के साथ पलटवार कर रहे हैं, उसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म है। मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है, अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे। यूपी की राजनीति की हर चाल समझने वाला उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा भी ये समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अचानक केशव प्रसाद मौर्य पर इतना रस क्यों ले रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में सपा के परफॉर्मेंस ने अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को वाईफाई पासवर्ड बताने वाले इस हमले के पीछे उनका जो भी मकसद रहा हो, केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन इसका जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक अटैक करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव और इनका कुनबा पिछड़ों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथों खेल रही कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर फिलहाल यूपी में सियासत सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्सेज केशव प्रसाद होती जा रही है और बताया जा रहा है कि इस वार पलटवार के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वह बयान है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ, जिस पर एक बार फिर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दोहराया है, जिसका जवाब देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए कहा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है खिलेगा और खिलता रहेगा। बहरहाल यूपी की राजनीति में चल रहे दो नेताओं के बीच इस जुबानी जंग पर यूपी से लेकर दिल्ली तक नजर है। पिछड़ों की राजनीति के ये दो बड़े चेहरे एक दूसरे को कमजोर साबित करने में लगे हैं, जबकि इस सब के बीच सीएम योगी यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियों में व्यस्त है। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली में आज बुलाई बैठक के बाद क्या कुछ ऐसा फैसला होगा जो विपक्ष की इस चुटकुला पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं आरक्षण रथ पर अग्निवीर। जी हाँ, अग्निवीरों के लिए अब सौगातों की बरसात कर दी गई है। इसी कड़ी में खासकर अगर हम बात करें बीजेपी शासित राज्य, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, ओडिशा की हो, वहां की सरकारों ने अब अग्निवीरों के लिए अफसरों का पुनीता एक नया दरवाजा खोल दिया है। बिल्कुल, ऐसे में देखिए सेकेंड इनिंग में किस राज्य में अग्निवीरों को क्या मिला है, क्या तोहफा दिया गया है, उनके लिए कितना बड़ा मौका है, रिपोर्ट के जरिए देखिए।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की। इन प्रदेश सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर जवानों को यूपी पुलिस और पीएससी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पुलिस सेवा में पीएससी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा मिलेगी। अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएससी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25वें करगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सौगात देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस सेवा और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। छत्तीसगढ़ में भी विष्णु देव साय की सरकार ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों को उनकी सेवा के बाद पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसमें पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफल मैन के पद पर उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। अग्निवीर जवानों के लिए ओडिशा सरकार ने भी अपनी झोली खोल दी है। माजी सरकार ने अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में वही सड़क आवागमन हुआ ठप, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर, बादल फटने से कई दुकानें बही, घरों में पानी घुसा, लोग परेशान है। जिला प्रशासन राहत बचाव में जुटा हुआ है। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश का कहर जारी, कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। हरिद्वार पर गंगा की तेज लहरों में कई कांवड़िए जो हैं वो देखे बहते हुए नजर आए, हालांकि एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो अब सामने आया है, ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए निकल गए, हादसे में महिला की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा हुआ, दही 3 मंजिला इमारत, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची राहत बचाव की टीम। यूपी के फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, मामले की जांच पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूटपाट, वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप, बदमाश की तलाश कर रही पुलिस। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की, राजस्थान सरकार ने रखा आरक्षण का प्रावधान। उधर अलीगढ़ में कांवड़ मार्ग पर हिंदुवादी संगठन ने फल, सब्जी और ढाबों पर लगाए भगवा ध्वज और पोस्टर्स, अन्य लोगों से भी इस तरह से पोस्टर्स और भगवा ध्वज लगाने की अपील की।
इधर यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात।